हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं जेके पेपर लिमिटेड की। तो बहुत सही चल रहा है ये स्टॉक और रिसेंटली स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। वीकली एनालिसिस देख लेते हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये वाली ट्रेंड लाइन बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है। यहाँ इसने सपोर्ट दिखाया था, बहुत पुरानी है, ऑलमोस्ट 2022 फेब की, और इसी ने यहाँ पे सपोर्ट दिया है स्टॉक को। और फर्दर आगे भी ये ट्रेंड लाइन बहुत अच्छी साबित होने वाली है क्योंकि इसी पे स्टॉक सपोर्ट लेगा। अब यहाँ पे स्टॉक कैसे निकला, क्योंकि यहाँ पे आप देख लोगे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना, पैटर्न कंप्लीट होते ही स्टॉक ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया। ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टॉक ने एक गैप अप ओपनिंग भी हुई है, उसके बाद स्टॉक थोड़ा अच्छा चल के अभी एक छोटा सा पुलबैक है, पुलबैक कह सकते हैं या रिटेस्टिंग कह सकते हैं। तो यहाँ अगर थोड़ा ये सस्टेन कर जाता है इस लेवल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, तो अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर अच्छा निकल जाना चाहिए। और अगर निकल जाता है अच्छा, तो आपको 390 के टारगेट्स ईजिली देखने को मिलेंगे इस स्टॉक में। सही चल रहा है स्टॉक, स्टॉक में कोई कमी नहीं है। और अगर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे इस स्टॉक को, तो बहुत सही स्टॉक हैगा, क्योंकि स्टॉक के फाइनेंशियल्स बहुत सही हैं। रिसेंटली स्टॉक ने डिविडेंड भी इशू किया है, 4 रुपये का डिविडेंड रहा है, 1 अक्टूबर को आपके अकाउंट्स में आएगा ये। और आप देखोगे बहुत सही टेक्निकल्स काम कर रहे हैं इस स्टॉक में, ट्रेंड लाइन के हिसाब से ही चल रहा है। यहाँ पे आप देखोगे कंसिस्टेंटली मल्टीपल जगह सपोर्ट्स थे, ये सपोर्ट जोन है इनका, बायर का जोन बहुत सही है ये। ऊपर यहाँ से आप ट्रेंड लाइन फेस कर रहे होगे, ऊपर देख रहे हो, तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जा नहीं रहा है, तो टेक्निकल सही काम कर रहे हैं स्टॉक में। और ऐसे स्टॉक जब टेक्निकल सही काम करते हैं तो प्रेडिक्ट करना ईजी रहता है उनको, और उनके ज़्यादातर ब्रेकआउट भी फेल होने के डर कम ही रहता है, क्योंकि उन पर टेक्निकल्स अच्छे काम करते हैं। एक नज़र फाइनेंशियल्स पर भी डाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि स्टॉक की जो सेल्स हैं वो थोड़ी कम हुई है, 15,000 करोड़ की रही हैं, लास्ट टाइम ये 17,000 की थी। और यहाँ पे एक्सपेंसेस जो इनके हैं वो 1100 CR के रहे हैं इस बार के, लास्ट टाइम 1200, तो एक्सपेंसेस का इजाफा हुआ है, इसी का इसको अच्छा अमाउंट देखने को मिल रहा है आपको नेट प्रॉफिट में। और नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा कम है लास्ट टाइम से, इंटरेस्ट कंपनी का गिरा है, 51 CR का रहा है, डेप्रिसिएशन सिमिलर ही है। और आप देखोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स अच्छा निकल के आया है, लास्ट टाइम से 381 CR था लास्ट, इस बार 401 CR रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 313 CR का रहा है, तो लास्ट टाइम से सही है। इसी वजह से आपको एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में। और सही चलती हैं सारी चीज़ें, तो आपको आने वाले समय में स्टॉक आपको 390 और इवन उसके बाद फर्दर आपको 425 तक के टारगेट्स भी ईजिली देखने को मिलेंगे। तो कुछ ये ऊपर के टारगेट के लेवल रहने वाले हैं, एक ये 390 के आसपास रहेगा, एक ये 420 के पास, इधर पे 425 के आसपास स्टॉक लेगा यहाँ तक, तो यहाँ तक स्टॉक इजीली ट्रेवल कर सकता है। फिर इसके बाद स्टॉक का जो हाई रहेगा वहाँ तक जा सकता है। तो अगर लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है आपका इस स्टॉक को होल्ड करने का, तो बहुत ही अच्छा है उसके लिए। और फिलहाल के लिए जब स्टॉक इसको एक बार सस्टेन कर ले, तो आप बाइंग कर ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि 358 एक दिन उसको बुलिश कैंडल बन जाएगी, तो यहाँ से फिर आपके टारगेट 392 ईजिली निकल के आएगा। और यहाँ से अगर ड्रॉप भी होता है तो ये ट्रेंड लाइन इसको होल्ड करके रखेगी, क्योंकि EMA क्रॉस भी अभी ऊपर ही जा रहे हैं, तो बुलिश है कहीं ना कहीं, और EMA पे भी एक सपोर्ट ले सकता है स्टॉक। तो अगर यहाँ से सपोर्ट ले लेता है, गिरने की बात है, वो जब गिरेगा तब सपोर्ट लेगा, अदरवाइज़ यहीं से स्टॉक कंसोलिडेशन करके निकल जाना चाहिए। अच्छा, तो होपफुली सारी चीज़ें क्लियर कर दी होंगी मैंने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।